है, देख रहे हो? ये देखो, ये रहा दोस्तों इंडियन। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल घनश्याम बाबा सर्प मित्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के रस्कु काल दोस्तों मुझे कर्मी ग्राम सभा से मिला हुआ है, जो कि दोस्तों हमारे घर से, हमारे गांव से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। जो ये चाचा जी खड़े हुए, इनके घर में कोई जहरीला सांप देखा गया है, तो मौके पर उस जगह पर हम पहुँच चुके हैं। अब इन्हीं से पूछते हैं कि कैसा क्या मामला हुआ। तो चाचा जी पहले अपना नाम बताएं। रामनंद तिवारी। आप सांप कहाँ देखे, आप क्या करने गए थे अपने घर में कि जो आपको सांप काट ले रहा था? गए थे, बगल में ही बैठा था कराही में। अच्छा, तो क्या करने के लिए गए थे आप? मुफलर निकालने। अच्छा, तो फिर क्या हुआ आपके साथ? तो जो खड़ा हो गया और फन से मारा तो इतना चौड़ा फटार कालिया, बस हम भगे। अच्छा, आप मतलब आपको कोई दिक्कत, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं। आपको काटा तो नहीं है ना? नहीं, नहीं। चलिए ठीक है। तो दोस्तों इनको काटा नहीं, बहुत अच्छी बात रही, ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा रही कि इनको कोई इनको काटा नहीं। तो जहाँ पर आप सांप देखे हैं चलकर हमें बताएं। ठीक, चलिए बताइए। तो चलिए दोस्तों चलकर देखते हैं कौन सा सांप है वो। और आप देख सकते हैं दोस्तों पीछे खेत खलिहान, खुला मैदान, और अब चलकर देखते हैं कौन सा सांप है वो। और आप देख सकते हैं दोस्तों यही वो घर है जहाँ पर सांप देखा गया है। और दोस्तों ठंडी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि दोस्तों हालत सबकी ख़राब है। एक सेकंड, एक सेकंड दिखाने दो पहले, कहाँ है, कहाँ पर है? हटो, ये तुम इधर आओ, मुझे दिखाने दो पहले। और ये रहा दोस्तों इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। पहले इस बक्से को हटाओ, इसको हटाओ, ये वाला पहले हटाओ, अभी आसानी पूर्वक पकड़ लेंगे उसको। तुम बगल हो जाओ थोड़ा, ये भी हटाओ। नहीं नहीं कहीं नहीं जाएगा वो, ठंडी इतना ज़्यादा पड़ रही है वो किधर जाएगा। इंसान का हालत पंचर हो तो बेचारा एक बेजुबान जानवर है, देख रहे हो? ये देखो, ये रहा दोस्तों इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। उसमें फंस गया, उसमें फंस गया। इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ, इधर 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 पकड़ो इसको, अब लेकर चलो बाहर इनको, चलो बाहर चलो। और आप देख सकते हैं दोस्तों इस सांप को पकड़ लिया गया है। और दोस्तों ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा सांप है, आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी बड़ा है ये और काफ़ी काला है दोस्तों। पहले नंबर, इसको बाहर लेकर चलो, वहाँ तपाते हैं भैया। चलिए कोड़ा बारी। ठर रहा है क्या? ठरत भा है? दोस्तों इतना ठंड हो गया है सांप, क्या बताएं। तो कटबे करिए और देख सकते दोस्तों किस प्रकार से घनश्याम बाबा के साल के ऊपर किस प्रकार से उसने अटैक किया। तो पहले नंबर दोस्तों इसको थोड़ा कौड़ा तपाते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। चलिए भैया बारी है, फटाफट कौड़ा बारी है, इसको थोड़ा तपाया जाए। अरे चाचा गाली मत दो। नहीं दे भाई। देखो ऐसे मैंने ऐसे खड़ा किया है, ऐसे हम मजे खींच। तो जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं कौड़ा भर चुका है, अब इसमें दोस्तों इसको थोड़ा तपाते हैं और देख पा रहे दोस्तों इसको थोड़ा हम तपा देते हैं क्योंकि दोस्तों ठंड है, इंसान हो या जानवर ठंडी सबको लगता है। और इस बेजुबान को दोस्तों मारा नहीं, चाचा जी ने बचा लिया, बहुत अच्छा काम किया क्योंकि इन दोस्तों ये हमारे पर्यावरण मित्र हैं, इसलिए सांपों को बचाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। और सांप को हमने दोस्तों बचा लिया है। इसके अंदर दोस्तों न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है
और इंग्लिश में दोस्तों इसका नाम है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, और हिंदी में दोस्तों हमारे यहाँ दोस्तों इसको नाग फटार घुंघन बहुत नामों से जाना जाता है। इसको दोस्तों अलग अलग राज्यों में दोस्तों इसको पलटू पलटू के नाम से भी बोलते हैं, और साइंटिस्ट दोस्तों इसको नाजा नाजा के नाम से बोलता है। और आप देख सकते हैं इसको बचा लिए हैं हम। अब मुहा भाई भाई मुंह कैसा बाहर है देखो। हाँ देखो ठंडी की वजह से। अच्छा ठंड ना हो तो यहाँ का पटरू पर हो बाबू। अरे ये कहीं से ना खाली रहा, जैसे तू हथौड़ा पकड़े हो ऐसे हम हो रहे हैं भिड़ गए। वो कारीगर हो। और दोस्तों अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को दोस्तों अगर ऐसा वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं सांप वाला तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कर्मी ग्राम सभा से सुल्तानपुर से अगर आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों एक कमेंट करके बताएं कि हाँ ये हमारे गांव का वीडियो है। अगर किसी को सांप काटता है तो सीधा आपको अपने जिला अस्पताल जाना है, किसी झाड़ फूँक तंत्र विद्या के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि झाड़ फूँक से इंसान दोस्तों और मर जाता है। निकाल लो झोरिया। और ये दोस्त थोड़ा संभाल के झुरिया सेक ले लो मुझसे। वो बड़ा बढ़िया बनवाए हो एकदम बड़ा। ठंडी हो रही है ना ज़्यादा, इसलिए पूरा एकदम ठंडी से व्याकुल हो गया है पूरा। और आप देख सकते हैं दोस्तों इसको ये बार में नहीं आवता है। क्यों नहीं बार में? देर के मारी मैनेजर साहब तो चलिए दोस्तों इसको कर देते हैं या पैक। हेलो 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 इस समय ये समझ लो कि चल नहीं पाएंगे बिल्कुल, ये ठंडी में। अगर गर्मी रहता ना तब तक भाग लिया होता ये। चलो तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इसको कर देते हैं अब पैक। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसको हमने पैक कर दिया है, और मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी जंतुओं को बचाते हुए और फिर किसी जंतुओं को छोड़ते हुए। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और बस्ती से दोस्तों तकरीबन ये 20 किलोमीटर के दूरी पे पड़ेगा, और ज़िला है दोस्तों बस्ती, थाना गौर, तहसील हरैया। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।